सोचती थी कभी तो सुनेगा मेरे दिल की बात, कभी तो दिखेंगे मेरे जज्बात, और देखते ही क्या हो गया है। उसमें दुनिया बसती थी मेरी, उसमें दुनिया बसती थी मेरी, जो आज किसी और की दुनिया बसाने चला है। So, ऐसे ही आप लोगों को देख के लिखा है ब्रेकअप क्या होता है, ठीक है, मूव ऑन करना है। तो वो लड़का कहता है कि गरम तेल से हाथ कभी जला है, गरम तेल से हाथ कभी जला है, चलते चलते पांव में कांच चुभा है, तेज छुरी से अंगूठा कटा है, उससे ज्यादा दर्द हुआ है, दिल टूटे जाने पे आंसू छलक आएंगे, आंसू छलक आएंगे, पूछना किसे दिल टूटे आशिक की दास्तान किसी बहाने से। जब वो तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा, हो थर थर आएंगे, हर बात पे दिल उसका भर आएगा। वो किसी परी से कम ना थी, वो किसी परी से कम ना थी, उससे आने से मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, आंखें मेरी यूं नम ना थी, वो मुझे जान कह के बुलाती थी, हाँ जी हाँ जी हर बात पे मुस्कुराती थी। वो बड़ी फुर्सत से बनाई हुई कोई मूरत थी, कितनी मीठी उसकी बातें भोली अदाएं, कितनी प्यारी उसकी सूरत थी, वो मेरा पहला प्यार पहली मोहब्बत थी। फिर क्या हुआ पता नहीं, उसको किसी ने क्या समझाया, या कहूं कि बहकाया, उसे मेरी हर बात में कमी नजर आने लगी, वो मुझे छोड़ किसी और को चाहने लगी। हाँ माना वो थोड़ा रईस था, उसके घर वालों के लिए अजीज था, पढ़ा लिखा मुझसे ज्यादा था, सुना है सरकारी दफ्तर में ऊंचा उसका ओहदा था, फैसला लेने में थोड़ी भी देर न लगाई, मेरी नजरों के सामने ही हुई उसकी विदाई, ऐसा लगा जिस्म से जान निकल रही हो, रूह मेरी तिल तिल मर रही हो, तब से दिल आज भी दहक रहा है, जिंदगी मेरी अंगार सी है, निगाहों को तलाश नहीं किसी की, धड़कने बेकरार सी है, और तुम कहते हो मैं फिर किसी पर एतबार कर लूं, तू ही बता दोस्त मैं दोबारा कैसे प्यार कर लूं। ऐसी हालत हो जाती है आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, अब आते हैं दोस्ती और प्यार, ठीक है, तो दोस्ती सबसे कंफर्टेबल रिश्ता है दोस्ती। अब दोस्ती और प्यार, अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, ये मोहब्बत का आना जरूरी था, और चलो मानो हो गया तुम्हें हमसे प्यार, क्या बताना जरूरी था, कैसे मिलकर रहते थे हम साथ साथ, पक्की दोस्ती हमारी करते थे घंटों ढेर सारी बार, कभी किताबें कभी पढ़ाई, जिंदगी की उलझने साथ में सुलझाते थे, हंसते खेलते रहते थे, एक दूसरे को कितना चिढ़ाते थे, कभी लगा ही नहीं, कभी पता चला ही नहीं कि तुम इससे ज्यादा भी कुछ चाहते थे, और आज किस मोड़ पर ले आया है हमारा ये रिश्ता, आज किस मोड़ पर ले आया है हमारा ये रिश्ता, कि मोहब्बत तुम्हारी बस एक तरफा है, इसमें मेरी कोई मंजूरी नहीं, और जैसा इश्क हो गया तुम्हें हमसे, मुझे भी हो, ये तो जरूरी नहीं। तो मोहब्बत तो मिली नहीं, दोस्ती से भी गए, बट अच्छा है एटलीस्ट आपने बता तो दिया, लड़कियां बताएंगी भी नहीं। तो ऐसे लिखा है कि आज उसे देखना भी नापाक है गुनाह है, आज उसे देखना भी नापाक है गुनाह है, चाह कर भी मिल ना सके, इससे बड़ी भी क्या कोई सजा है, मुझे कहता था सबसे पहले मुझसे हर एक बार, मुझे देता था मेरी खुशियां मेरे गम में मेरा साथ, मैं देखती ही रह गई बस ख्वाब उसके, थाम लिया उसने किसी और का हाथ, सोचती थी कभी तो सुनेगा मेरे दिल की बात, कभी तो दिखेंगे मेरे जज्बात, और देखते ही क्या हो गया है, उसमें दुनिया बसती थी मेरी, उसमें दुनिया बसती थी मेरी, जो आज किसी और की दुनिया बसाने चला है। तो बता दीजिए इससे पहले ही गेट्स कमिटेड टू समवन एल्स, अब इमेजिनरी दुनिया से बाहर आते, ठीक है, ये सब इमेजिनरी था ना, तो जो घर के बड़े लोग कहते हैं ना वो चुपचाप सुन लेना चाहिए। तो उस पे लिखा है कि तुम अपनी अकड़ में रहो हम अपनी ऐंठ में रहें, तुम अपनी अकड़ में रहो हम अपनी ऐंठ में रहें, ना तुम हमसे कुछ कहो ना हम तुमसे कुछ कहें, बस इसी तरह तो रिश्ते बर्बाद होते हैं, बात करके देखो जरा कैसे शिकवे गिले आजाद होते हैं, गलत फहमियों के पिटारों के नीचे दबे सच्चे जज्बात होते हैं, और कुछ तो अच्छाई होगी मिलजुल कर रहा करो, यूं ही थोड़ी बड़े बुजुर्ग कहते हैं। थैंक यू एवरीवन।